प्राइज एक्शन क्लास नंबर 19। तो आज के दिन कैसे ट्रेड करना था गाइस, टोटल दो तीन पैटर्न बने थे लेकिन ट्रेडेबल पैटर्न सिर्फ एक ही था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड वी सा बना था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बाय कर सकते थे, यहाँ प्रॉफिट हुआ है लेकिन यहाँ पर ये बायबल पैटर्न नहीं था, इसको बाय नहीं करना था। इसका रीज़न मैं समझाऊँगा आपको। दूसरा ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया हुआ है ये लेवल के ऊपर, लेकिन ये भी एक बायबल पैटर्न नहीं था, इसका भी मैं रीज़न आपको समझाऊंगा। बायबल पैटर्न कौन सा था, ये वाला था, यानी कि यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे, इसको ट्रेड ले सकते थे। और अगर हमने यहाँ पर ये एक हाई ड्रॉ करें तो स्टॉप लॉस कहीं यहाँ आ जाता है इसके ऊपर थोड़ा, या यहाँ समझ लो, ठीक है। और टारगेट हमें कितना मिलता, इतना बड़ा टारगेट मिलता और स्टॉप लॉस हमारे पास सिर्फ इतना सा था, यानी कि हमारा 1:2 से ज़्यादा का टारगेट अचीव हो रहा था एम पैटर्न के अंदर। लेकिन ये क्यों नहीं ट्रेड करना था और ये क्यों नहीं ट्रेड करना था, इसके पीछे का रीज़न था गाइस, ये वाली लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, कल के दिन बताया था लेकिन एक बार और समझ लो इसको आप, ये है क्या, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे महीनों बाद इसको, तो देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस लेवल से, ठीक है, यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद इतना गैप फिल हो गया था, ठीक है, तो हमने ये वाला मार्क कर लिया। तो ये तो ग्रीन कैंडल आज का है ना, गैप तो यहीं तक फिल हुआ था ना कल, तो हमने ये लाइन कल मार्क करी थी मार्केट एनालिसिस में, ठीक है। तो ये लेवल ने सुबह सुबह हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, इसलिए हमने वहाँ से एम पैटर्न को शॉर्ट किया था। दिखाता हूँ कहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, तो ये देखो हमें इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो हमने शॉर्ट किया और इतना सा प्रॉफिट हम ले करके गए निफ्टी 50 के अंदर। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कैसे ट्रेड करना था, अगर आप वहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था यार, बैंक निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं था। एंड ऑफ द डे कोई मौका मिला था, यहाँ पर भी वी पैटर्न था। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि वी पैटर्न को क्यों नहीं ट्रेड करना था, बताऊँगा अभी, ठीक है। मार्केट साइड में था, अंत में एक एम बन रहा था लेकिन मार्केट क्लोज का टाइम आ गया था, 3 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं। सबसे पहले चलो निफ्टी 50 के ऊपर, और मैंने कहा इन्वर्टेड वी को ट्रेड क्यों नहीं करना था। ये जो हमेशा क्या बताता हूँ मैं आपको, ये जो इन्वर्टेड वी बनेगा तो हम बॉटम पे बाय करेंगे और प्रॉफिट लेंगे, लेकिन मैंने क्यों मना किया, और मैंने एक चीज़ बोला था ये जब ये ब्रेकआउट आएगा तो भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसका तो रीज़न सिंपल है, बड़ी सी ब्रेकआउट कैंडल थी तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी वाले में देखो, अगर यहाँ पर कोई ना, ये डे का लो तो था ही, ठीक है, एक तो ये ट्रेड बनता ही था, लेकिन यहाँ पर कोई और सपोर्ट होता ना एक, तो हम ट्रेड लेते तो ज़्यादा पावरफुल ट्रेड होता। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं ले सकते थे, लेकिन हमें बेस्ट ट्रेड लेना होता है, और बेस्ट ये था क्योंकि यहाँ पर दो दो रेजिस्टेंस थे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल एक डे का लो ही था, इसलिए इसको हम अवॉइड कर सकते थे, ब्रेकआउट का वेट कर सकते थे। अब समझ आया कब ब्रेकआउट का वेट करना है और कब ऐसे ही चलने देना है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सपोर्ट था इसलिए यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट कर सकते थे, यहाँ डबल था इसलिए हम शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, समझ आया होगा प्राइस एक्शन, तो प्लीज़ लाइक करना।